मंडी में राजकीय महाविद्यालय में 72वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में कुल्लू कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने राहुल गांधी पर कार्रवाई को लोकतंत्र के हथियार नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी रोज करीबन 200 किलोमीटर पैदल चलते थे, यही बात उनके बढ़ते कदम और उभरती छवि को दर्शाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोलन के कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन पिछले साल के परीक्षा परिणामों में हुई देरी को लेकर हुआ, जिसमें 80 से 90 फीसदी विद्यार्थी फेल हो गए। जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये हमारे जो ERP सिस्टम और इवेल्युएशन और रीअपेयरिंग के जो परिणाम थे वो घोषित नहीं है, उस पर किया गया है। देखिए, जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उस पर कोई काम कर रहा है। देखिए, हमारी ये डिमांड है कि जो HU का प्रशासन है वो इन बच्चों के और ध्यान दे और जल्द से जल्द इनके परिणाम घोषित करें, जिससे कि बच्चा अपने अगले साल की तैयारी ढंग से कर पाए, क्योंकि दो दिन बाद अब अगले वर्ष की परीक्षा है पर पिछले वर्ष के रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुए है। सोलन में जिला कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर JCC बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अगर लोकसभा में वो एक सांसद होने के नाते प्रश्न पूछते हैं और देश हित में वो प्रश्न पूछा जाता है, हिंडन रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से अडानी जो है वो क्वेश्चन मार्क है, उनकी जो कंपनी है उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो क्वेश्चन मार्क है। अगर उस बारे में लोकसभा में एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी जी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उनका अधिकार है। और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ अगर इस तरह का लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाना अपराध है, तो उनका जो अपराध है उसका पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सोलन जिले में कोरोना मामलों का ग्राफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ये अलर्ट पर आ गया है और बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पहले सभी हॉस्पिटल्स में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। लखपुर में श्री नैना देवी नगर परिषद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मनोनीत किए गए पार्षदों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। SDM धर्मपाल ने सभी मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई। तो एक नई गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें डायरेक्शंस थी कि ये लोग जो है मनोनीत किए गए हैं SMC नैना देवी में, तो उनका शपथ समारोह का जो रखा गया था यहाँ पर, तो आज उसी विषय में आज हमने इन चारों मेंबर्स को यहाँ पे शपथ दिलवाई और इनको संविधान की शपथ दिलवाई ताकि अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छे से कर सकें इन आने वाले 5 वर्षों में। और मेरा इनसे यही आग्रह रहेगा कि जो जन समस्याएं हैं वो उनका जो है MC के जो काउंसिल में उसमें रखें और उनका निराकरण जल्दी जल्दी करें। हमीरपुर में विजिलेंस के DIG पिपरली का मामले का रिव्यू करने पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब तक का 5 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है, वहीं 19 मामलों में इंक्वायरी की जा रही है। दरअसल ये मामला भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक का। ये जो अभी इंक्वायरी चल रही है पेपर लीक मामला में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है 5 केसेस में, इसका रिव्यू करने के लिए हमें बुलाया है। अभी मीटिंग में हम रिव्यू करेंगे, जो भी होगा डायरेक्शन होगा। पोस्ट कोड ऑलरेडी हमारे पास, जो पोस्ट कोड हमारे पास ऑलरेडी है इसमें इंक्वायरीज चल रही हैं, 19 इंक्वायरी अभी चल रही है। अभी FIR में 5 FIR अभी एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी आएंगे किसी का अगेंस्ट जो भी एविडेंस मिलेगा उनके खिलाफ तो होगा कार्रवाई।
उधर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने में हो रही देरी से लोग परेशान हैं। लोगों ने कहा है कि सैंपल देने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं के साथ आए व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ टेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक बारी नहीं है। जैसे हम खड़े यहाँ पे, अभी इंजेक्शन भी लगा है तो डॉक्टर ने बोला था भाई, अभी हो जाएगा और फिर अगर इनको बोले तो अभी इनको जो इनके स्टूडेंट है इनके पहले करवा रहे हैं, अभी कुछ टाइम बाद डिलीवरी, अभी इंजेक्शन लगा है तो हम सबसे पहले आए थे अभी लाइन में, पर अभी कोई वो नहीं है, फिर इन स्टूडेंट को करवा रहे हैं सबसे पहले। नाहन में निपुण कार्यक्रम के तहत विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहली से तीसरी कक्षा तक का गुणात्मक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब अधिकारियों को बच्चों की मासिक रिपोर्ट देनी होगी। गुणात्मक शिक्षा देने के मकसद से शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में EKYC के लिए 3 और 4 अप्रैल को नूरपुर तथा सदबा में विशेष शिविर लगेंगे। आपको बता दें, इस प्रक्रिया को आसानी से संपूर्ण करने के लिए तहसील और उप तहसील कार्यालय में विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो पीएम किसान है, उसके पीएम किसान और सम्मान निधि में हमारे EKYC और लैंड सीडिंग के कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं और काफी पेंडेंसी है हमारे लेवल पे, तो उस पेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने एक और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से एक ऑर्गेनाइज कैंप करने के लिए हमें दिशा निर्देश मिले हैं। उसके लेवल पे हम तहसील नूरपुर और सब तहसील सदवा दोनों तहसीलों और सब तहसीलों में 3 और 4 को ऑर्गेनाइज करेंगे कैंप, जहां पर हमारे सारे पटवारी यहां पे प्रेजेंट होंगे। और मैं इसी के थ्रू सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके पेमेंट नहीं हो पा रही, उनको डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है, जहां उनके 2 पैसे रुके हुए हैं, वो सब हमारी तहसील और सब तहसील में आएं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएं।